हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस स्टडी। उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग से लिए एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। किसके संदर्भ में है? तो हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है पीईटी 2023 को लेकर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पीईटी है उसे लेकर हाई कोर्ट ने एक ऐलान किया है और उस पर एक टिप्पणी की है और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है फार्मासिस्ट के वैकेंसी को लेकर। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, हम यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर में आई अपडेट है कि कहा क्या जा रहा है। पीईटी पास ही फार्मासिस्ट परीक्षा के हकदार। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी के जो हकदार हैं, जो पीईटी 2023 में बैठे हैं, पीईटी कोई भी मतलब एलिजिबल जो भी होता है पीईटी ही होता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति जो पीईटी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं तो उनके लिए फार्मासिस्ट वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने बिना प्रारंभिक योग्यता परीक्षा पेट के पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। तो ऐसे व्यक्ति जो डिमांड कर रहे थे, जो पीईटी एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे और वे डिमांड कर रहे थे उनकी मुख्य परीक्षा में उनको बैठने दिया जाए, तो उनकी जो याचिकाएँ हैं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो ये एक बड़ी अपडेट होने वाली है। ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम के मुख्य एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो उनको पीईटी देना अनिवार्य बना दिया गया है। हाई कोर्ट के डिसीजन ने अब इस पर मुहर लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पेट को लिखित परीक्षा के समान नहीं माना जा सकता है, यह क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसका तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर ही अभ्यर्थियों की छटनी करनी है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पीईटी जो है प्रारंभिक एक प्रीलिम्स प्रकार की परीक्षा है जिसे क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आपको मुख्य एग्जाम देना है किसी भर्ती का तो आपको सबसे पहले पीईटी को देना होगा, जिसे पीईटी भी आपके पास पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा यह क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसका तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर ही अभ्यर्थियों की छटनी करना है। तो प्रारंभिक स्तर पर ही अभ्यर्थियों की छटनी करने के लिए ही पेट को लाया गया था। ये आदेश जस्टिस मनीष माथुर ने एकल पीठ ने एकता सिंह और इसके अलावा आदि की ओर से दायर रिट याचिकाएँ खारिज कर पारित किया। तो ऐसी याचिकाएं जो मांगी गई थी सबको खारिज कर दिया गया है। याचिकाओं ने उन प्रावधानों को खारिज करने की मांग की थी जिनसे उन्हें बिना पेट के पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट लिखित परीक्षा में बैठने का आयोग करार दिया गया था। तो आयोग की जो डिसीजन लिया था आयोग ने कि ऐसे अभ्यर्थी जो पीईटी में नहीं शामिल हैं तो उनको मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बैठना दिया गया था, तो अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, तो अब कोर्ट से भी इसको खारिज कर दिया गया है। याचिकाओं का विरोध करते हुए यूपी अन्य सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा का तर्क था कि याची जानबूझकर पेट में नहीं बैठे, उन्हें विज्ञापन के अनुक्रम में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो यही थी अपडेट। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि बिना पेट के ही उत्तर प्रदेश के किसी मुख्य एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, किसी मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, कोर्ट का भी मानना है। और ये सही भी है कि आप अगर आपको यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ से किसी भी एग्ज़ाम में बैठना है तो सबसे पहले आपको पीईटी में शामिल होना ही होगा। पीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, आपको पता ही है हर साल पीईटी का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। उसी के बेसिस पे अगला जो भी मेंस का एग्ज़ाम कराया जाएगा, जो भी भर्तियाँ निकाली जाएंगी उसी के बेसिस पे होंगी और कट ऑफ तय कर दिया जाएगा। पीईटी 2023 का अब जो है वैकेंसियाँ आना शुरू हो चुकी हैं और जो भी भर्तियाँ हैं पीईटी 2023 से हो रही हैं, इनकी जो भी वैधता होती है केवल एक साल की होती है, तो अर्थात 2024 में ही भी पीईटी जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इससे संबंधित जो भी अपडेट आती है हम आपको समय समय पर लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।